आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट क्या होता है। जिस पावर प्लांट में पावर जनरेशन के लिए दो साइकिल यानी बेट्रॉन साइकिल और रैंकाइन साइकिल दोनों को कंबाइन करके गैस टरबाइन और स्टीम टरबाइन को रोटेट करके अल्टरनेटर की हेल्प से पावर जनरेशन किया जाता है, उसे कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट में रैंकाइन साइकिल और बेट्रॉन साइकिल क्या होता है। बेट्रॉन साइकिल एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है जिसके प्रिंसिपल पर गैस टरबाइन वर्क करता है। बेट्रॉन साइकिल में तीन स्टेज होते हैं, कंप्रेशन, कंबशन और एक्सपेंशन। गैस टरबाइन में एटमॉस्फेयर की एयर को कंप्रेस करके नेचुरल गैस के साथ कंबशन करके प्रोड्यूस होने वाली प्रेशराइज और हाई टेम्परेचर वाली फ्लू गैस को टरबाइन ब्लेड को देकर टरबाइन को रोटेट करवाया जाता है। रैंकाइन साइकिल भी एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है जिस पर स्टीम टरबाइन वर्क करता है। रैंकाइन साइकिल में चार स्टेज होते हैं, कंप्रेशन, हीट एडिशन, एक्सपेंशन एंड कंडेंसेशन। वाटर को पंप की हेल्प से कंप्रेस करके उसे बॉयलर में भेजा जाता है जहां पर उसको हीट देकर स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। इस स्टीम को स्टीम टरबाइन को देकर उसे घुमाया जाता है और बाद में उस स्टीम को कंडेंसर में कंडेंस किया जाता है और उसे फिर से यूज़ में लिया जाता है। आखिर सवाल ये उठता है कि इन दोनों साइकिल को कंबाइन करने की ज़रूरत क्या थी। तो इसका रीज़न ये है कि पहले हम दोनों साइकिल को इंडिविजुअली यूज़ करके स्टीम टरबाइन और गैस टरबाइन को चला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया करते थे, पर उसका डिसएडवांटेज ये था कि इंडिविजुअली इस दोनों साइकिल की एफिशिएंसी बहुत कम होती थी। तो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए दोनों साइकिल को कंबाइन करके गैस टरबाइन और स्टीम टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। बेट्रॉन साइकिल में पावर प्लांट की एफिशिएंसी 30-35% होती है और रैंकाइन साइकिल में पावर प्लांट की एफिशिएंसी 25-29% होती है। मगर इन दोनों साइकिल को कंबाइन करने पर पावर प्लांट की एफिशिएंसी 47-50% तक इंक्रीज हो जाती है। यानी पावर प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए कंबाइन साइकिल का यूज़ किया जाता है। दूसरा सवाल है कि दो साइकिल को कैसे कंबाइन किया जाता है। बेट्रॉन साइकिल में गैस टरबाइन के एग्जॉस्ट हाई टेम्परेचर वाले फ्लू गैस को रैंकाइन साइकिल में बॉयलर में वाटर में से स्टीम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरह बेट्रॉन और रैंकाइन साइकिल को एक दूसरे के साथ कंबाइन किया जाता है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें AJ इलेक्ट्रिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।